एक तरफ जहां सारे ही क्रिकेट फैंस भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप मैच का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान मैच पर बारिश का साया भी बना हुआ है। तो आज के इस अद्भुत चर्चा के वीडियो में जानेंगे कि टीम इंडिया किस तारीख को किस टीम के खिलाफ विश्व कप का अपना मैच किस स्टेडियम में खेलते हुए नजर आएगी और उस दिन मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। तो ये वीडियो सभी क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। विश्व कप से पहले मौसम की बात बहुत ही ज्यादा हो रही है, ऐसा माना जा रहा है कि कुछ मैच बारिश के कारण धुल सकते हैं। हम टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आपको ये बता रहे हैं कि भारत के सभी मैचों के दौरान मौसम का कैसा हाल रहने वाला है। भारत में वनडे विश्व कप का आगाज 5 अक्टूबर को हो रहा है, 19 नवम्बर को टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। गत चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। इसी मैदान पर खिताबी मुकाबले का भी आयोजन किया जाएगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा। वहीं पाकिस्तान से 14 तारीख को भारत की भिड़त देखने को मिलेगी। विश्व कप से पहले मौसम की बात बहुत ही ज्यादा हो रही है, ऐसा माना जा रहा है कि कुछ मैच बारिश के कारण धुल भी सकते हैं। हम टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आपको ये बता रहे हैं कि भारत के सभी मैचों के दौरान मौसम का पूर्वानुमान क्या है। टीम इंडिया के अगर पहले मैच की बात करें तो भारत का पहला मुकाबला 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से खेला जाना है। टीम ऑस्ट्रेलिया 1987, 1999, 2003, 2007 और 2015 में खिताब जीती थी। टीम इंडिया ने 1983 और 2011 में धोनी की कप्तानी में खिताब को अपने नाम किया था। भारत चाहेगा कि वह जीत से शुरुआत करे। इस मुकाबले पर बारिश होने की संभावना काफी कम है। AccuWeather.com के मुताबिक माने तो सिर्फ 2% बारिश के आसार इस मैच में नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम टीम इंडिया के दूसरे मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के बाद भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी। यह मैच 11 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अफगानिस्तान की टीम तीसरी बार विश्व कप में खेलेगी। उस दिन दिल्ली के मौसम की बात करें तो आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। बारिश की अगर हम बात करें तो बारिश होने के चांसेस 10% है, हालांकि रात में इसके चांसेस दोगुने हो जाएंगे। ऐसे में भारत के दूसरे मैच में बारिश खलल डाल सकती है। वहीं अगर हम टीम इंडिया के तीसरे मैच की बात करें तो ग्रुप दौर में भारत का सबसे अहम मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया इस मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ भिड़ते हुए नजर आएगी। पाकिस्तान से भारत का अब तक वनडे विश्व कप में एक भी मैच टीम इंडिया नहीं हारी हुई है। इस मैच में दोनों टीमों पर काफी ज्यादा दबाव होगा। भारत के इस मुकाबले में बारिश होने का साया बहुत ही ज्यादा है। अहमदाबाद में 14 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना 20% है। वहीं अगर हम चौथे मैच की बात करें जो कि टीम इंडिया 19 अक्टूबर को खेलेगी, तो पाकिस्तान के बाद भारतीय टीम एक पड़ोसी देश के खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी। 19 अक्टूबर को पुणे में उसका मुकाबला बांग्लादेश के साथ होना है। बांग्लादेशी टीम किसी भी मैच में उलटफेर करने की क्षमता रखती ही रखती है। उस दिन पुणे में बारिश होने की संभावना काफी कम है। भारत और बांग्लादेश के बीच मैच के दौरान बारिश का पूर्व अनुमान सिर्फ 5% ही है। वेल गाइस, टीम इंडिया के 5वें गेम के बारे में अगर हम बात करें तो उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही साथ अगर हम टीम इंडिया के 5वें मैच की बात करें तो भारत के टूर्नामेंट का 5वां मैच न्यूजीलैंड से होगा। यह मैच धर्मशाला में आयोजित किया गया है। उस दिन मौसम बहुत ही साफ रहने के अनुमान है, बारिश की संभावना भी काफी कम है। हालांकि मैच के दौरान बादल जरूर दिख सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीद काफी कम, सिर्फ 3% ही है। और टीम इंडिया अपना 6ठा मैच 29 अक्टूबर को खेलते हुए नजर आएगी और भारतीय टीम के लिए यह मैच काफी अहम होगा। यह मैच लखनऊ में इंग्लैंड के खिलाफ खेलने उतरेगी। गत चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ यह मैच आसान नहीं होगा। इस मैच के दौरान भी मौसम साफ रहने के पूर्व अनुमान बहुत ही ज्यादा है और बारिश होने की संभावना सिर्फ 3% है। वहीं अगर हम 7वें मैच की बात करें जो कि 2 नवंबर को खेला जाना है, तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय टीम अपने 7वें मैच में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी। 1996 में विश्व कप जीतने वाली लंकाई टीम उतनी मजबूत नहीं दिखती है, उसे चोटों से बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी वह उलटफेर करने में बहुत ही ज्यादा सक्षम है। मुंबई में 2 नवंबर को बारिश की संभावना सिर्फ 1% है। ऐसे में दर्शकों को पूरा मैच देखने को वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। और टीम इंडिया अपना 8वां मैच 5 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में साउथ
साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी। ग्रुप दौर के आखिरी चरण में होने वाले इस मैच में सबकी नजरें बनी रहेंगी। यह मुकाबला किसी भी टीम को बाहर कर सकता है तो किसी की सेमीफाइनल पहुंचने की संभावनाओं को बहुत ही ज्यादा मजबूत भी कर सकता है। कोलकाता में उस दिन बारिश की संभावना सिर्फ 3% ही है और टीम इंडिया अपना नौवां मैच 12 नवंबर को खेलते हुए नजर आएगी। टीम इंडिया लीग ग्राउंड का अपना आखिरी मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलेगा। इस मैच में उसके सामने नीदरलैंड की टीम होगी। बेंगलुरु में जमकर रन बरसते हैं। अब देखना यह होगा कि उस दिन बारिश होती है या नहीं होती है। जहां तक मौसम की बात करें तो उस दिन बारिश होने की संभावना सिर्फ 2% ही है। आपको बता दें कि पिछले विश्व कप में 4 मैच बारिश की वजह से प्रभावित हुए थे। ऐसे में भारत के सभी मैच में मौसम का पूर्वानुमान को देखें तो बारिश की संभावना काफी कम है। अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली और पाकिस्तान के खिलाफ अहमदाबाद में होने वाले मुकाबलों को छोड़ दें तो सभी मैच में मौसम बहुत ही साफ रहने वाला है। 2019 विश्व कप के ग्रुप दौर के 4 मैच बारिश के कारण रद्द हो गए थे। श्रीलंका के सर्वाधिक 2 मैच बारिश से प्रभावित हुए थे। यहाँ तक कि सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड का भी मैच बारिश के कारण ही प्रभावित रहा था। वेल गाइस, इस विश्व कप को कौन सी टीम जीत सकती है आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे वर्ल्ड कप के प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को भी देख करके वर्ल्ड कप के बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके हमसे जुड़ जाइए। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द एक न्यू वीडियो को लेकर के। थैंक यू।